स्टूडेंट्स हमें आप सीखिए आकार ने रंग ओके सो आकार अया चार शेप है मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा शेप है ये लास्ट ईयर मैथ्स में आप सीख चुके हैं तो ये है स्क्वायर स्क्वायर को गुजराती में कहते हैं चौरस ओके क्या कहते हैं चौरस ये है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल को गुजराती में कहते हैं लंब चौरस क्या कहा जाता है लंब चौरस और ये है ट्रायंगल तो ट्रायंगल को गुजराती में कहते हैं त्रिकोण ओके एंड दिस वन इज सर्कल सर्कल को गुजराती में कहते हैं गोल ओके सो यहाँ पे चार शेप है चलो तो अब बात करते हैं कि इन शेप से कौन कौन सी चीजें बनती है तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से बनता है आपका टिफिन बॉक्स किचन का टेबल भी बन सकता है आपकी बेंच भी वन सिंगल बेंच जो होती है वो बन सकती है आपका इरेजर भी स्क्वायर शेप में आता है शॉर्पनर स्क्वायर शेप में आ सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें स्क्वायर शेप में आ सकती है ओके लंब चौरस यानी कि आपका सॉरी रेक्टेंगल तो ये कौन कौन से होते आप जिस बेंच पर बैठते हो टू सीटर बेंच पर बैठ के पढ़ते हो तो वो लंब चौरस होता है आपके टीचर का जो टेबल है वो भी लंब चौरस है यानी कि रेक्टेंगल है आपका जो क्लासरूम है वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है ओके एंड वन अनदर थिंग रेक्टेंगल में आपके पास स्केल हो सकती है और आपके क्लास या आपके घर पे जो कवर्ड होता है वो भी रेक्टेंगल यानी कि लंब चौरस शेप में होता है इसके बाद है त्रिकोण तो त्रिकोण ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो त्रिकोण होती है चलो बताओ पिज्जा खाया किसी ने तो पिज्जा में जब स्लाइस करोगे तो वो कौन से शेप में आएगा ट्रायंगल शेप में मम्मी जब सैंडविच बनाती है और हमें कट करके देती है तो वो कौन से शेप में आती है ट्रायंगल शेप में समोसा कौन से शेप का होता है ट्रायंगल शेप में ओके यानी कि ये सारी खाने की चीज है जो त्रिकोण के आकार में होती है उसके बाद है गोल यानी कि सर्कल सो सबसे पहले चंदा मामा सर्कल होता है देन एक रुपए का पॉइंट भी सर्कल होता है पिज्जा जो कट नहीं किया गया वो भी सर्कल शेप में आता है और सूरज दादा जो है वो भी सर्कल शेप में ही होते हैं यानी कि वो भी गोल गोल होते हैं ओके तो ये चार शेप है और वो कौन कौन से शेप में आते हैं वो भी मैंने आपको बताया अब हम सीखते हैं रंग यानी कलर तो सुपर चंद यानी कि एप्पल कौन से रंग का होता है दो रंग के एक ग्रे एप्पल होता है और एक रेड कलर का एप्पल होता है केला केला यानी बनाना बनाना कौन से रंग के होते हैं ये भी दो रंग के होते हैं एक होता है येलो एंड अनदर वन इज ग्रीन बट जो पका हुआ केला होता है वो पीले रंग का होता है जो कच्चा होता है वो हरे रंग का होता है टमाटर यानी टोमेटोस वो कौन से रंग के होते हैं दे आर आल्सो इन रेड कलर देन तरबूज तरबूज यानी वाटरमेलन वाटरमेलन कौन से रंग का होता है ग्रीन रंग का हरा हरा रंग का ओके उसे गुजराती में लीलो रंग कहते हैं वालनो रंग यानी आपके बालों का कौन सा रंग है काला रंग यानी कि काला कलर अने जमरू का रंग कौन सा होता है लीलो ओके चलो फिर से पर गुजराती सफरजन रंग कौन है लाल केला रंग कौन है पीलो लाल तरबूज नो रंग कयो होय लीलो वाडनो रंग कयो छे काळो अने जमरूद नो रंग लीलो होय छे सो आई हैव रिटन हियर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स आल्सो लेट्स रीड इट कबाट नो आकार केवो होय लंब चौरस ओके तमारा घर मां जे कबाट छे कबाट नो रंग केवो छे लंब चौरस फूटपट्टी नो आकार केवो फूटपट्टी એટલે કે સ્કેલ Which one you are using in your geometry box? Footpatty no aakar chhe lamb chaurus. Pizza no aakar kevo hoy chhe? It's
पिज्जा ना आकार होय छे सर्कल એટલે કે ગોળ જમરૂખ નો રંગ કેવો હોય જમરૂખ નો રંગ હોય છે લીલો એટલે કે ગ્રીન કેળા નો રંગ કેવો હોય છે યલો એટલે કે પીળો અને ટામેટા નો રંગ કેવો હોય લાલ ઓકે અને તમારા વાળ નો રંગ કયો કાળો ઓકે એન્ડ સફરજન ટુ ટાઈપ્સ ઓફ સફરજન સફરજન કયા કયા રંગના હોય શકે એક લીલો અને એક લાલ ઓકે સો હિયર યોર રિવિઝન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ જય સ્વામિનારાયણ